बच्चों, एक बार जोर से मैं बोलूंगा लेट्स, आपने बोलना है खो, ठीक है? मेरे रूम आप लोगों में कितना जोश है, लेट्स, आवाज बहुत ही मीन, लेट्स, गुड। सबसे पहले मैं पप्पू जी का धन्यवाद करूंगा जिन्होंने मेरे को फादर भास्कर जी, फादर प्रभु जी, सेंट मैरी के सिस्टर ब्रदर्स और बाकी स्टाफ को रूबरू कराने का जो आपने ये मेरे को सौभाग्य दिया, ये मेरे लिए बहुत ही अहम है आज के लिए, क्योंकि मैं पहले भी कई ऐसे इंस्टीट्यूट जो मिशनरी के द्वारा चलाए जा रहे हैं बिहार के अंदर, जैसे बिहार शरीफ में विश्वविद्यालय, दूसरे वहां पर मैंने देखा कि वहां पर जिस डेडिकेशन के साथ, जिस लगन के साथ बच्चों का विकास करने में इन लोगों की अग्रणी भूमि रही है, वाकई सराहनीय है। फादर साहब, मैं रियली ये कहना चाहूंगा कि शिक्षा एक इतना बड़ा दान है जिसको यदि व्यक्ति देता है तो सीधा स्वर्ग में जाता है, और शिक्षा पढ़ाई ही नहीं, उसके साथ साथ बाकी चीजें भी, चाहे उसमें एजुकेशन है, स्पोर्ट्स है, कल्चर एक्टिविटीज हैं, या दूसरी चीजें जो हमारे दैनिक जीवन के अंदर काम आती हैं, उन सबका यदि आप बच्चों को सिखाते हो तो वो बच्चों के लिए भी, उनके पेरेंट्स के लिए भी, समाज के लिए भी, स्टेट के लिए और राष्ट्र के लिए वह एक वरदान है, और वह वरदान का काम फादर साहब आप दोनों बड़ी खूबसूरती के साथ निभा रहे हैं, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा। आपने जो ये इन छोटी छोटी बच्चियों के लिए जो ये व्यवस्था की है, जो ये खो खो का लीग आपने शुरू कराया है, वाकई ही ये एक खेल ही नहीं, बल्कि ये आप टीमों के अंदर